हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सुंदर कलरफुल जो लीव्स वाले प्लांट होते हैं उनमें रैंथिमम का नाम भी एक अलग है। जैसे कि आप कोलियस देखते हैं, कोलियस में भी बहुत वैरायटी होती है, सेम इसी तरह से रैंथिमम में भी बहुत वैरायटी होती है। ये जो प्लांट है आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे लगाया जा सकता है, इसकी देखभाल कैसे करनी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसके लिए कुछ खास मेहनत नहीं करना पड़ती। जो बिगनर्स हैं वो ज़रूर लगा सकते हैं। अगर ये प्लांट आप रोड साइज नर्सरी से या किसी भी नर्सरी से लेंगे तो आपको 15-20 रुपए में प्लांट मिल जाएगा, एक डाली उसमें लगी हुई, ठीक है। और फिर इसको किस मिट्टी में लगाना है तो इसे वेल्टेन सॉइल में ही लगाना है। गमले में लगाएंगे तो वेल्टेन सॉइल ही लेंगे, बाकी ज़मीन में तो जैसी मिट्टी है उसमें खाद मिला के आप और उसे लगा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, यहाँ ये 8 इंच के पॉट में ही लगा हुआ है ना, और काफ़ी अच्छा ऊंचा हो गया है, दो ढाई फिट ऊंचा है और काफ़ी घना इसका। देखिए, अब घनाई भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ये जब लिया था तब एक ही ब्रांच थी और 10 रुपीज़ का लिया था हमने, ठीक है। लेकिन उसकी पिंचिंग कर करके हमने इसको इतना घना बना लिया। अब ये ज़्यादा घना हो गया है, ऊंचा भी हो गया है, तो इसकी हम फिर कटिंग्स अभी लगा के आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मिट्टी की आपको बता दी, नेक्स्ट चीज़ है लोकेशन। तो जितने भी कलर्ड लीव्स वाले प्लांट हैं उन सबको आपको सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए, जहाँ पे कि इन्हें 1-2 घंटे की धूप मिल जाए या इनडायरेक्ट सनलाइट मिल जाए, तो इनके कलर्स और इनकी जो वेरिएशन होती है वो बरकरार रहती है। ज़्यादा धूप में रख देंगे तो ये इनकी पत्तियाँ जल भी जाती हैं और जो इनका वेरिएशन है वो भी बहुत फेड हो जाता है, मतलब बहुत हल्का हल्का दिखता है। इसके नेक्स्ट आता है इनकी वाटरिंग। तो पानी, इनकी मिट्टी थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी होना चाहिए, तो जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो आपको दोनों टाइम इसमें पानी डालें और अच्छे से इसको शावर भी कर दें तो पत्तियाँ क्लीन हो जाती हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है और प्लांट अच्छा हेल्दी दिखता है ना। अब क्या है था कि अभी देखिए इसमें क्या बताई प्रॉब्लम हो रही है। ये जो इसकी पत्तियाँ हैं ओरिजिनली ये इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं, है ना, देखिए इतनी बड़ी पत्तियाँ हैं, पर अभी पत्तियाँ छोटी निकल रही हैं, है ना। इसका मतलब है ये प्लांट जो है रिपोर्टिंग भी चाहता है। तो अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी और 2 दिन बाद इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। एक साथ दोनों चीज़ें करने से प्लांट चौक में आ जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं दोनों चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ आती है वाटरिंग के बाद फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, ये जो जितने भी ऐसे इनडोर प्लांट या लो लाइट वाले प्लांट्स होते हैं इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। साल में 2 बार ही फर्टिलाइज़र देना सफिशियंट रहता है, एक बार फरवरी में क्योंकि बसंत शुरू होने वाला होता है, इनकी ग्रोथ का टाइम होता है, और दूसरा सितंबर में, क्योंकि सितंबर के बाद धीरे धीरे ठंड शुरू होती है और इनका डोरमेंसी पीरियड हो जाता है, तो उस टाइम इसे खाद दे देते हैं तो ये अपनी ठंड के 3-4 महीने बड़े आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इनके पेस्ट। तो फ्रेंड्स, इन पर भी मेलीबग का एफिड्स वगैरह का अटैक होता है, लेकिन अगर आप एवरी 15-20 डेज में रेगुलरली अपने सारे प्लांट्स पे नीम ऑयल और डिश वॉश मिला के स्प्रे करते रहते हैं तो अटैक इतना ज़्यादा होता नहीं, और अगर होता भी है तो फिर आप उस पर इमिडाक्लोप्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रेट 2 ml 1 लीटर पानी में घोल के अच्छे से प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए, एक ही बार में ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता है तो 2 दिन रुक के फिर तीसरे दिन फिर करें। अब बात आती है इनकी प्रोपोगेशन की। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें फ्लावर आए नहीं हैं, फरवरी के टाइम मार्च में आते हैं इसमें, तो हल्की सी एक पतली सी स्पाइक निकलती है और उसमें ज़्यादातर लाइट पिंक या वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। उसमें कभी सीड्स भी लगते हैं लेकिन वो बहुत मुश्किल है उनको पकड़ना। तो इनका बेस्ट तरीका होता है प्रोपोगेशन के लिए कि आप इनकी कटिंग कर दें। तो अभी मैं आपको कटिंग करके ही दिखा रही हूँ, है ना। तो कटिंग करते टाइम हमको ध्यान रखना है, जैसे इस प्लांट की पूरे की मैं राउंड शेप में चाहती हूँ कि ये राउंड शेप में चारों तरफ से बढ़े, तो इसलिए कटिंग सब मैं ज़रा देख के करूँगी, है ना। देखिए, आप शार्प नाइफ ले लीजिए और इस अच्छी तरह से स्टरलाइज किया हुआ हो, जिससे कि इसके जो पिछले प्लांट जो आपने कटिंग वटिंग कर रखे हैं उनकी इन पे इन्फेक्शन ना लगने पाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी मैंने कटिंग कर दी है। आप देख रहे हैं, जब ये जितने भी हैं ना नोड्स, इन पे से जब ये ब्रांचेस निकलेंगी तो ये अपने आप घना हो जाएगा और राउंड शेप ले लेगा। उसके बाद भी हमें इसकी पिंचिंग करते रहना पड़ेगी क्योंकि हमें इसका राउंड शेप बरकरार रखना है। अभी जो कटिंग निकली है वो दिखाती हूँ। ये निकली है इतनी सारी कटिंग्स, और आपको इनमें एक चीज़ मुझे आपको दिखानी थी इसलिए मैंने इनको रोक के रखा हुआ है। ये देखिए, ये जो कटिंग है, ये जो लिए मैंने मोटी ब्रांच, इसमें आप देखिए आपको छोटी छोटी रूट्स दिख रही होंगी,
है ना, ये दिख रही है ना रूट्स आपको, ये ना रूट्स। तो ये इससे साबित ये हो रहा है कि कितनी आसानी से लग जाएगा। इसको आप वाटर प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं और मिट्टी में लगा कर भी कर सकते हैं। मैं तो अभी इसमें मिट्टी में ही लगा के आपको दिखाने वाली हूँ। बारिश के पहले ही कुछ गमले और पॉलीथीन बैग ना तैयार करके रख लेते हैं कि उसमें हम अपनी कटिंग्स लगाते रहेंगे, नहीं तो उसी टाइम कटिंग काटो और फिर कटिंग लगाओ ना तो थोड़ा आलस आने लगता है। पहले से तैयार होता है सही रह जाता है। ये बन गया, ये तो ये ले ली मैंने कटिंग और इसको लगा रही हूँ मैं इसमें। बस इसको मिट्टी में हमको डिप कर देना है, इंसर्ट कर देना है कि एक नोड उसका मिट्टी में दबा रहा है। तो एक सेफ साइड होती है, वैसे तो आप देख रहे हैं कि इसकी बीच का जो पोर्शन है इनमें भी रूट्स निकली हुई हैं, पर ये है कि जो सही तरीका है वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये एक एक नोड इसमें लगी रहे अंदर। तो फ्रेंड्स ये इसकी कटिंग इतनी लगा दी है मैंने, अभी बहुत सारी हैं उनको तो मैं अलग लगाऊंगी और ये लगी जाएंगी 100%। और पानी इसमें इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बारिश के कारण मिट्टी ऑलरेडी गीली है, इसलिए इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। अब इनको मुझे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, तो ये नींबू के पेड़ के नीचे ही रखी रहेंगे सारे गमले, और इनकी अपडेट मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो फ्रेंड ये थी इसकी देखभाल, आपको मैंने कंप्लीट गाइड पूरी दिखाई है और आई होप मेरा वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।